सूरजपुर सरगुजा रेंज में जब्त 47 क्विंटल 33 किलो गांजे सहित अन्य नशीला पदार्थों को पावर प्लांट के ब्यालर में डालकर बिजली का उत्पादन किया गया, जिससे करीब 4 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने का अनुमान है। रेंज में ऐसा पहली बार हुआ कि गांजा नष्टीकरण कर बिजली का उत्पादन किया गया और बाजार मूल्य के हिसाब से लगभग 12 से 15 करोड़ रुपए का मादक पदार्थों को नष्टीकरण किया गया। वहीं पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज आईजी अजय कुमार यादव ने कहा कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नशीला वस्तुओं को नष्ट किया गया, जिससे बिजली का उत्पादन भी हुआ है। आईजी अजय कुमार यादव ने कहा कि सरगुजा रेंज के जिलों में अभियान चलाकर नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर नशीला पदार्थ गांजा, ब्राउन शुगर सिरप, कैप्सूल, अफीम, इंजेक्शन टेबलेट जब्त की गई थी। पुलिस द्वारा पकड़े गए नशे के जखीरे का नष्टीकरण किया जाना था। अभियान के तहत सरगुजा रेंज में 201 प्रकरणों में 47 क्विंटल 33 किलो गांजा, 30.44 ग्राम ब्राउन शुगर, 2390 नग सिरप, 13376 नग कैप्सूल, 350 ग्राम अफीम, 1432 नग इंजेक्शन, 3971 नग टैबलेट का नष्टीकरण इंदिरा पावर जैन प्राइवेट लिमिटेड गिरवरगंज नयनपुर में किया गया। नष्टीकरण के दौरान जलाए गए गांजे से बिजली का उत्पादन भी हुआ है। वहीं बता दें कि पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने नशीले पदार्थों के नष्टीकरण को लेकर सारे इंतजाम को पहले से ही दुरुस्त कर रखा था। कि सरगुजा रेंज भर में वो आज यहाँ नजर आ रही है, उसको डिस्ट्रॉइंग किया जा रहा है, क्या कुछ है सर? ये जो विधिवत डिस्ट्रॉय करने की प्रक्रिया है, जो भी सीज्ड गांजा और NDPS रिलेटेड जितना भी मटेरियल है, तो रेंज में जितनी भी कार्रवाई हुई है विगत वर्षों में, तो इसके कुछ समय पहले एक बार और गांजा हम लोगों ने जलाया था। इसमें अभी लगभग 46 क्विंटल से अधिक जो गांजा एवं अन्य जो पदार्थ है, ब्राउन शुगर हो गया और जो गांजे के पौधे भी हैं, उसके अलावा जो नशीली दवाएं होती हैं वो हैं, उस तरह की पूरी चीज़ें नष्टीकरण करने के लिए किया है। और खुले में जैसे अगर चलाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जो पॉल्यूशन वाली जो बात आती है वो आती है, तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वे में करने के लिए हम लोगों ने यहाँ जो सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र में इंदिरा पावर जो प्लांट है, इनके लोगों से संपर्क किया था और NOC ली थी, और उस NOC मिलने के पश्चात आज जो है पूरा का पूरा गांजा अपने जो गांजा राष्ट्रीयकरण की टीम है, उसमें SP सरगुजा हैं, SP कोरिया हैं और लोकल यहाँ सूरजपुर के SP हैं, उनकी उपस्थिति में और पूरी टीम के साथ ही गांजा नष्टीकरण विधिवत किया है। सर, यहाँ पहली बार देखने को मिल रहा है कि इसी नशे के कारोबार से कई घर बर्बाद हो जाती है और आज यहाँ पर घर रोशनी होने वाली है, पावर भी यहाँ से होने वाला मेगावाट कितना? मुझे बताया गया यदि जलता रहता है तो पावर भी जनरेट हो सकता है, क्योंकि इसमें भूसा वगैरह से पावर जनरेशन का ये प्लांट है, तो कैनबिस के जो पत्तियां हैं, जो ये जो है जो गांजा है, उसका यूज़ हो सकता है। अभी हालांकि नष्टीकरण के पर्पस को हम लोगों ने ध्यान में रखा हुआ है, बाकी तो प्रक्रिया। एनी मैसेजेस नशे के खिलाफ सर? नहीं, नशे के खिलाफ देखिए, जो हमारा सरगुजा रेंज पुलिस का अभियान वो लगातार जारी है और पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देश दिया गया है प्रभावी कार्रवाई करने के लिए। उसके साथ साथ पुलिस अधीक्षक स्वयं सतत सजग हैं और अपनी पूरी टीम को, सभी थानों को उन लोगों ने मैसेज दिया हुआ है कि नशे के खिलाफ, जैसे कि महिला अपराध है, नशे है, इन सभी के खिलाफ हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस की नीति रखी है और नशे में किसी भी प्रकार का, यहाँ पे जो कुछ बॉर्डर वाले ज़िले हैं वहाँ पे बाहर से लाइक कोरिया, मनेंद्रगढ़, उस तरफ MP से जो शराब आती है वो पकड़ी गई है। अभी हाल ही में पुलिस ने लगातार सूरजपुर पुलिस ने पकड़ा है, कोरिया पुलिस ने पकड़ा है। उसके साथ साथ जो जशपुर से होकर के अधिकांश गांजा हमारे यहाँ से जाता है, उड़ीसा से आता है और जशपुर से होते हुए इस तरफ से निकलता है नॉर्थ के लिए। अभी तक जितने भी गांजे हम लोगों ने पकड़े हैं, तो जशपुर में भी बैरियर लगाए हैं, पूरे रेंज में 7 नए बैरियर इस्टेब्लिश किए गए हैं कि गांजे की धरपकड़ अच्छे से हो, और सभी बैरियर अच्छा काम कर रहे हैं। लवाकेरा एक बैरियर है जशपुर में, वहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में भी हम लोगों ने केसेस पकड़े हैं, तो और एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं कि सिर्फ सप्लायर को जो गाड़ी लेके जा रही है उसको नहीं पकड़ रहे हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है उनको भी बंद कर रहे हैं और कौन बुलवा रहा है उनको भी बंद कर रहे हैं, तो विवेचना पर भी ध्यान दिया। थैंक यू सर।